गली चौराहों पर फिर कर एक आवाम को मशक दे रहा है कि अगर दानव नागेंद्र को वोट देंगे तो वो फिर से बीजेपी जाएगा, ये क्या कहेंगे? अरे बीजेपी कहीं को जाता भाई नागेंद्र तेलंगाना मत कांग्रेस की है, कांग्रेस पार्टी की बारे में लोकसभा में बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी जो पावर में है उसको छोड़ के बीजेपी में कहीं को जाते साहब, क्या आने का है? चलो नागेंद्र, चलिए समझो बीजेपी पार्टी में जाता, क्या उसको मिनिस्टर बनाते? क्या बनाते? कांग्रेस पार्टी उसको मिनिस्टर बनाती, ये बात आप याद रखिए। तो नागेंद्र पहले से कांग्रेसी थे, याद रखिए। अगर से नागेंद्र को आप काटेंगे तो उसके अंदर से कांग्रेस निकलेगा, दिल चीरेंगे तो उसके अंदर से सोनिया गांधी निकलती। अब मजबूरी के आलम में चले गए जब बीआरएस में, मगर उनका दिल नहीं लग रहा था तो उन्होंने बोले हमारे सामने और सबके सामने चार मीनार पे ठहर के, मेरा जिस्म बीआरएस में था मगर मेरा दिल कांग्रेस में था, तो अब मैं वापस मेरे घर को आ गया, बस मेरे को अब सुकून दिख रहा, मेरे को मज़ा आ रहा। तो वो नागेंद्र है, वो नागेंद्र कहीं को जाता रे भाई, बीजेपी नहीं जाता, नामुमकिन, बेकार के बातें हैं। तो मैं पूरे KTR रहने दो, हमारा KCR रहने दो, नरेंद्र मोदी रहने दो, अमित शाह रहने दो, किशन रेड्डी, अरे मेरे बाबा, हाँ आवाम के डेवलपमेंट पे बात करेंगे, डेवलपमेंट 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 वो बात करो, दीवाना बकवा मत करो और लोगों को दीवाना नको बनाओ। अब लोगों में शरूर आ चुका है, अवेयरनेस आ चुका है, अब ये टाइम कुछ रिजल्ट अलग होगा और यहाँ से तो BRS ख़त्म हो जाएगा और वहाँ से भी इंशाल्लाह BJP ख़त्म हो जाएगी। मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया आज, हम पूरा रेड हिल्स फिरे हैं और रेड हिल्स के हर एक एरिया हम कवर, वीरनगर हो, चिंतल बस्ती, AC गार्ड, जंगम बस्ती, देवी बाग, हर जगह हम जा चुके हैं और हर जगह से आवाम का एक ही बोलना है, अब की बार कांग्रेस सरकार। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय रेवंत रेड्डी, जय राहुल गांधी।